जिला मुख्यालय के बिस्कान वन रेंज के पीपल झोपा वन ग्राम में मंगलवार शाम मादा तेंदुआ मृत अवस्था में मिली है। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तेंदुए के शरीर के कई अंग कटे होने से तांत्रिक क्रिया का भी अंदेशा जताया जा रहा है। वन मंडल अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया, कुन्ना नदी में पानी के बीच तेंदुए का शव बरामद हुआ है, जिसके पंजे, मूंछ के बाल और पूंछ कटी होने से शिकार होने की आशंका लग रही है। यह भी कहा जा रहा है कि तेंदुए को जहर देकर मारा गया, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। मौत के कारणों का पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार बिस्कान वन रेंज के अंतर्गत पहाड़ी नदी कुंदा किनारे सिरवेल रोड पर ब्रिज के नीचे मादा तेंदुआ मृत अवस्था में मिली, जिसकी सूचना वन अमले को शाम 4 बजे मिली। खरगोन से DFO प्रशांत सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं रेंजर अमित चंद वासकेल एवं डिप्टी रेंजर फतेह सिंह कनेश एवं फॉरेस्ट के जवान पूरा स्टाफ कुन्ना नदी किनारे पहुंचा। मृत तेंदुए को बाहर निकालकर पीपल झोपा पशु चिकित्सालय लाया गया। वहीं बुधवार को पीएम हुआ। 1.5 साल की बताई जा रही है उम्र। खरगोन से शेखर कौशल की रिपोर्ट। इसका कल शाम को हम लोग को सूचना मिला था, कुंडा नदी में किसी ग्रामीण ने देखा था। तो उसके बताए अनुसार टीम वहाँ पहुँची थी फॉरेस्ट की, तो जो तेंदुआ था हमारा उसके चारों पंजे नहीं थे। तो प्रथम दृष्टिया देख के तो लगता है कि उसका शिकार हुआ था, और उसका पीएम आज सुबह हो गया है, और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कारण पता चलेगा किस कारण से मरा था तेंदुआ, कैसे मारा गया था। चारों पंजे कटे हुए हैं और पूंछ 1/4 एक चौथाई करीब कटा हुआ है। तांत्रिक विद्या का भी मामला कोई तांत्रिक से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है। अब जरूर वो पंजे लिए हैं तो मतलब कुछ अंधविश्वास का मामला ही होगा लोकल यहाँ, अब वो जांच के बाद ही पता चलेगा। सर क्या लगता है जिस तरीके से वन्य प्राणी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे में ऐसी घटना, तो इसके लिए कुछ भविष्य में कुछ बंदोबस्त करेगा हमला? नहीं, हम लोग तो लगे ही रहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो, पूरे प्रयास रहते हैं, पर कभी कभी इस तरह के हो जाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका हम लोग पूरा जांच करेंगे पूरी तत्परता से और अपराधियों का पता करेंगे। सर प्रारंभिक तौर पर सर क्या लग रहा था नदी में जिस प्रकार से देखे आए थे, क्या लग रहा था ये कहाँ से आया है? देखिए, इस कुंडा नदी सिरवेल तरफ से आ रही है, तो उसी तरफ से आया होगा, वो जाँच के बाद ही पता चलेगा। नदी तो काफ़ी लंबी है। क्या नाम है? प्रशांत कुमार जी।